हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज देखिए हम ये ठाकुर जी की पग बनाना बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पगड़ी बनाने के लिए हमने ये कार्डबोर्ड की शीट ली है। इसकी हमने चौड़ाई हमने ये इसकी 1 इंच रखी है और इसकी ये चौड़ाई हमने 4.5 रखी है। और इसको कवर करने के लिए हमने जो कपड़ा लिया है वो हमने 3 इंच लिया है और इसकी हमने 5 इंच ली है। ठीक है, कलरी बनाने के लिए हमने देखिए इसमें पेस्टिंग बकरम लगा दी है और लेस लगा दी है और इसकी हमने ये 2 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हमने ये पूरी 6.5 रखी है। दूसरी कलरी बनाने के लिए हमने ये 1.5 इंच की इसकी चौड़ाई रखी है और इसकी ये हमने 4.5 ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये कार्डबोर्ड जो है इसमें शेप देना है। तो हमारा ठाकुर जी के हम 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए बनाए तो हमारी ये 3.5 आ रही है। ठीक है, तो हम इसमें 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम इसको ये यहाँ पे निशान लगा लेंगे, ये मिड में निशान आया। अब इसमें हमें देखिए 1 सेंटीमीटर हम ऊपर ऐसे करेंगे। करने के बाद अब इसमें हमें गोलाई देनी है तो ये हम ऐसे गोलाई देंगे। पहले एक ड्रॉ कर लेंगे लाइन और फिर हमें गोलाई देनी है और ये ऐसे रहेगा, ये आके ऐसे हो जाएगा। अब इसको हमें कट करना है तो वेस्ट सीजर हो उसी से कट करिएगा। तो हम इसको कट कर लेते हैं। तो ऐसे करके कट करके हम निकाल लेंगे। तो देखिए ऐसे हमने कट कर लिया और इसको हमें कपड़े पे रखना है और कपड़े पे रखते हुए हमें इसको कट लगाना है। तो हम देखिए जितना हमारा कवर होगा उतना हमें पहले कट करके निकालना है। तो मिड में हम यहाँ पे कवर करेंगे, कट करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा हमें कट ऐसे लगा लेना है जैसे जो गोलाई है उसमें आसानी से पेस्ट हो जाए। अब ये हमने फेविबॉन्ड लिया है, इसे हम पेस्ट करेंगे। हम हॉट ग्लू से नहीं कर रहे हैं, ये आसानी से आपको मिल जाएगा। यहाँ हार्डवेयर की शॉप होती है, वहाँ आपको आसानी से ये मिल जाएगा। तो ये हम ऐसे करके कवर कर देंगे और हॉट ग्लू भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हो। तो हम इसमें रखते हुए करेंगे जैसे मेरा पेस्ट ना हो। लगा लेंगे और इसको हमें लगाना है और जो एक्स्ट्रा है वो हम कट करके निकाल लेंगे। ऐसे आप आसानी से किसी भी फेस्टिवल में अपने लड्डू गोपाल के लिए पग बना सकते हो। तो ये हमने यहाँ पे अब इसको हमें गोलाई देखनी है कितनी है हमारे लड्डू गोपाल की, 3.5 थी। तो इस तरह से हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। इसका सर्कल कट करेंगे तो ये हमें देखिए हमें ये ऐसे रखना है और यहाँ पे हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हमने इससे बड़ा ऐसे इसका शेप कट किया है और इस तरह से करने के बाद हमें ये ऐसे करके लगाना है
ग्लू, और एक एक करके हमें ये यहाँ दबा देना है। तो आप प्रेस करोगे तभी आपका ये पेस्ट होगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये फिर हार्ड हो जाता है। एक्स्ट्रा इसी साइज का सर्कल लेंगे और इसको हमें यहाँ पे लगा देना है। ऊपर का पार्ट को हमें यहाँ पे ग्लू लगाना है। और ऐसे प्रेस करके थोड़ी देर रखेंगे तो ये अपने आप इसमें, यहाँ पे देखिए हम ऐसे ग्लू लगाएंगे। और इसमें ये हम लेस पहले ऐड करेंगे। तो लेस हमें पूरा राउंड में कवर करना है। ये देखिए ऐसे राउंड मिलाएंगे और ऐसे कवर करते हुए नीचे हमें करना है। तो ऐसे हम इसको पूरा पेस्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये ऐसे हमने पेस्ट कर लिया है, देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। स्टोन चेन लगाएंगे। अभी हमने जर्कन की चेन ली है, इसको हमें यूं लगाना है। तो यहाँ से इतना तोड़ेंगे। फिर इसी में लगा के इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये इसमें डेकोरेट कर दिया। इसमें टू टाइम हमने ये जर्कन चेन लगाई, फिर हमने लेस लगा दी। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम ऐसी कलरी बनाएंगे। तो कलरी बनाने के लिए देखिए हमने ये जो पेस्टिंग लिया था इसी को हमें यूँ करके जैसे हम पंखी बनाते हैं वैसे ही बनाना है। तो सेम प्रोसेस, इसमें राउंड राउंड करके इसको नॉट लगा देंगे। तो एक हमें देखिए यहां लगाना है, हम एक ऐसे करके इधर लगाएंगे और एक हम इस तरह से यहां पे लगाएंगे। इस तरह से हमारी ये कलरी लगेगी और इसको हमें यूं रखना है। और यूं रखे हुए हमें यहाँ पे अब एक हमें यहाँ पे ऐसे लगा देना है। तो हम इस तरह से यहाँ भी पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए फिर से हम यहाँ पे ऐसे ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाते हुए हमें ये यहाँ पे ऐड करना है पीछे की तरफ।
इस तरह से हो गया। अब हम ये पॉलन फ्लावर लेंगे और इसको हमें यहाँ डेकोरेट करना है। अब ये मैं ये स्टून लूँगी और इसको यहाँ पे ऐसे ऐड कर दूँगी। इस तरह से देखिए डेकोरेट हो गया और बहुत प्यारा ये पक कंप्लीट।